तो अभी हम पे बना रहे हैं आज एक ऑनलाइन MCQs ऐप सी प्लस प्लस के अंदर। तो किस तरह करेंगे काम, हम सबसे पहले अपने यहाँ पे लिखेंगे हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और फिर हम इसके नीचे आ जाएंगे, लिखेंगे इंटीजर मेन यूजिंग नेम स्पेस STD, इंटीजर मेन फंक्शन, और ये उसकी बॉडी ब्रैकेट्स। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, और उसके नीचे सिस्टम की कमांड जिसमें हम डबल कोट्स में पास करेंगे पास। ठीक है, तो ये हमने बेसिक प्रोग्राम स्ट्रक्चर लिख दिया। सेव किया अपनी फाइल को, पैराडाइज क्लास 6 मोर MCQs। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसका एक टाइटल बनाएंगे, सी आउट लेस देन लेस देन, यहाँ लिखेंगे ऑनलाइन MCQs ऐप। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, सेमीकोलन लगाया सी आउट लेस देन लेस देन, उसके बाद यहाँ पे एंड लाइन करके हमने एंटर किया सी आउट लेस देन करके, डबल कोट्स लगाया, स्टारिक लगा दिया इसके आगे। ठीक है, और यहाँ पे इसको इस तरह से कर दिया, ये तो बन गया इसका सी आउट। अच्छा, बार बार एंड लाइन लगाना है तो मैं इसको कॉपी करके रख रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, दो लाइन का गैप देना है, तो मैंने इसको यहाँ पे दो लाइन का गैप दे दिया। ये तो मेरा हो गया, इसका टाइटल हो गया। अब यहाँ पर एक लाइन में यूज करूंगा MCQs के साथ, क्योंकि वहां पर भी मुझे दो लाइन का गैप देना पड़ेगा, तो ये इसके साथ ले लेता हूँ। सी आउट लेस देन यहाँ पे लगाया मैंने एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, और इसमें हम ले लिया वॉट इज कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन बना दिया, सेमी कॉलन लगाया, फिर उसके बाद सी आउट लेस देन लेस देन। अब बार बार सी आउट लेस देन एंड लाइन करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंड लाइन यू भी लगा सकता हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सी आउट किया और सी आउट करके लेस देन करके ऑप्शन ए बनाया सपोज टू बी ह्यूमन, तो ये मैंने इसके आगे लिख दिया, सेमी कॉलन लगाया, और लगाने के बाद लेस देन लेस देन न्यू लाइन के लिए दोबारा एंड लाइन लगा दिया, सेलेक्ट किया कंट्रोल सी कॉपी, एंड देन कॉपी करने के बाद मैंने एंटर किया पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चार ऑप्शन बनाने, तो यहाँ पे इसको बी कर दिया, यहाँ पे लिख दिया आगे इसके मशीन, और यहाँ पे मैंने इसको सी कर दिया, और इसके आगे लिख दिया मैंने सपोज टू बी वेजिटेबल कर दिया यहाँ पे, और डी लगा के मैंने यहाँ पे लिख दिया एनिमल। ठीक है, तो यहाँ से एनिमल हो गया ये, तो ये हमारे चार ऑप्शंस बन गए। अब इसके बाद चूंकि फिर न्यू लाइन दे रही है, तो एक न्यू लाइन आ गया, और एक और न्यू लाइन ऐड करेंगे लास्ट के बाद, तो एंडल, और यहाँ पे अब बनाएंगे चॉइस, तो सी आउट लेस देन अब वो कहेगा चॉइस, तो यहाँ पे कहेंगे इंटर चॉइस, तो इंटर चॉइस कर दिया। अब चॉइस के आगे चॉइस वो इंटर करेगा, तो उसके आगे चॉइस लिख रही है, तो यहाँ से कंपाइल करते हैं कोड को, देखिए कोई एरर शेरर तो नहीं है, बिल्कुल सेट जा रहा है, कोई एरर नहीं है, कोड आ रहा है, चॉइस भी मांग रहा है, एंटर कर देते हैं। अब चॉइस के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा, तो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ ऊपर वाले हिस्से में CHAR चॉइस के नाम से। ये एक सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल है जो अपने अंदर एक सिंगल कैरेक्टर ABCDZ से लेके कोई भी स्टोर करने की अपने अंदर सलाहियत रखता है। तो इनपुट लेंगे इसके अंदर CIN ग्रेटर देन और इसका नाम रख दिया वेरिएबल का आगे, तो इसके अंदर जाके जो भी यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू चली जाएगी। अब वो वैल्यू क्या जाएगी इसके अंदर, जैसे हमने कंपाइल किया कोड को जैसे सी, तो वो सी गया किसके अंदर, चॉइस के अंदर। अब चॉइस को चेक कराना है कि क्या इसके सही कौन सा और गलत कौन सा है, तो यहाँ इफ की कंडीशन बनाएंगे, उसके दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, और तो उसके ब्लॉक्स बनाएंगे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे इस तरह से कोड को कर देंगे एंटर करके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे सेव करेंगे अपने कोड को, और यहाँ पे सेव करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन पे चेक करेंगे, इफ चॉइस की वैल्यू चेक करो डबल इक्वल का मतलब है बराबर है, सिंगल कोट लगाएंगे किसके, अब इसमें सही आंसर कौन सा है, बी, तो कैपिटल बी के, और डबल और ऑपरेटर शिफ्ट के साथ लगाएंगे, चॉइस की वैल्यू बराबर है इक्वल है डबल सिंगल सिंगल स्मॉल बी के, तो क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बताना है क्या करना है। यहाँ पर हम दो वेरिएबल और बनाएंगे, एक बनाएंगे इंटीजर करेक्ट के नाम से, और एक बनाएंगे इंटीजर रॉन्ग के नाम से। अब इसमें करना ये है कि हमने अगर आंसर सही है तो करेक्ट की वैल्यू में करेक्ट इज इक्वल टू जीरो असाइनमेंट कर देंगे, और रॉन्ग को भी असाइनमेंट्स की जीरो कर देंगे, तो दोनों की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर आंसर सही है तो सी आउट लेस देन करके न्यू लाइन के ऊपर दिखाए, तो अब यहाँ पे न्यू लाइन के ऊपर कैसे दिखाएगा, सी आउट लेस देन एंड एंड लाइन ई एंड एल, और यहाँ पे दोबारा से इसको कॉपी किया, इसको ही कॉपी किया, कॉपी करके पेस्ट किया, और यहाँ पर हमने कहा कि इसके बाद क्या दिखाना है, इसके बाद दिखाना है करेक्ट, तो ये करेक्ट एक स्ट्रिंग मैसेज है हमने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन साथ साथ मैं ये कह रहा हूँ करेक्ट अगर है तो फिर क्या करे, करेक्ट वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर एक प्लस कर दे, इसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या काम करते हैं, जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी उसमें एक प्लस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं। अब सेम मैसेज हम बनाएंगे इसी को कॉपी करके नीचे इफ का सेकेंड ब्लॉक एल्स के साथ,
else हमेशा if के साथ इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ दिखाए वो इसको क्या wrong, और फिर क्या करें wrong वाले वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस एक प्लस कर दे। अब या तो प्रोग्राम इसमें एक प्लस करेगा या फिर इसमें एक प्लस करेगा, तो दोनों में से एक एक प्लस कराना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलना है, तो आपको बार बार कोड करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसी कोड को यहाँ से कॉपी करें, पहले एक दफा चला के देख लें कोड सही काम कर रहा है तो फिर उसको कॉपी करते हैं। तो मैंने यहाँ से कंपाइल कराया और रन कराया कोड को, तो इसमें देखें एरर आ गया, कह रहा है कि यहाँ पे एक लेस देन और लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया और फिर यहाँ लगेंगे तो फिर यहाँ भी लगेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे कॉपी किया था। तो यहाँ से ये हमने रन किया प्रोग्राम को, देखिए आ गया। अब मैं ए लिख रहा हूँ तो देखें क्या आ रहा है रॉन्ग। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ बी लिख रहा हूँ तो अब क्या आ रहा है करेक्ट। तो इसका मतलब एक पे करेक्ट आएगा और बाकी सब पे क्या आएगा रॉन्ग आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर तो इस तरह से मामला हमारा सही चल रहा है, करेक्ट उसके साथ लिखा हुआ रहा है आंसर के आगे। तो अब चलते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले देखें सही आ रहा है आउटपुट, एक मिनट देखो बी करेक्ट, ठीक है सही आ रहा है। तो अब चलते हैं आगे। तो अब हमें बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम इस चीज को क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके नीचे क्या करेंगे क्वेश्चन को पेस्ट करेंगे। पेस्ट करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी, ओके सही है। अब क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं व्हाट इज हार्डवेयर, लॉजिकल पार्ट्स, और यहाँ पे लिख देते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं फिजिकल पार्ट्स ऑफ पार्ट्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वायरस। ठीक है, अब इसमें हमारा जवाब कौन सा सही है, इसमें ये वाला सही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल सी और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल सी और सेम स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल इसी तरह से आप ऐड करेंगे, कॉपी किया पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वायरस, एनिमल, ठीक है, डिजीज और कंप्यूटर प्रोग्राम और कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो इस पे आंसर हमारा सही है डिजीज वाला गलत है, सी वाला सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल सी और यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल सी। तो देखिए हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। यहाँ पे गए हम, पहला आंसर लिया बी करेक्ट हो गया, दूसरा लिया सी रॉन्ग, सी पे भी करेक्ट हो गया, और फिर तीसरा लिया बी गलत ले रहा हूँ, तो इस पे क्या बता रहा है रॉन्ग बता रहा है। सही है, अब हम चलते हैं क्या रिजल्ट बनाने की तरफ। तो रिजल्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो एंड लाइन लेंगे, सी आउट लेस देन एंड एल, और फिर लेस देन एंड एल, फिर लेस देन, और लिखेंगे आगे क्या लिख रहे हैं स्कोर। ठीक है, और फिर उसके आगे लेस देन एंड एल, एक ही लाइन में लिख के बता रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, और यहाँ पे स्टारिक लगा रहे हैं और फिर हमने यहाँ पे क्या दो और एंड एल दे दिए, एंड एल नीचे आ गए। अब यहाँ पर हम यह स्कोर के नीचे बता रहे हैं सी आउट लेस देन, यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं करेक्ट। तो यहाँ पे हमने लिखा करेक्ट, इसके आगे लेस देन करेक्ट वाले वेरिएबल की वैल्यू शो कर दी, और साथ साथ यहाँ पे लेस देन एंड एल भी लगा दिया, और नीचे सी आउट लेस देन रॉन्ग, रॉन्ग के आगे रॉन्ग की वैल्यू को सेट कर दिया और आगे आगे एंड एल भी लगा दिया। ठीक है, और रन करते हैं प्रोग्राम को, एरर आ गया। तो एंड एल लेस देन ए किसका आ गया, किसका आ गया और इसका नहीं आया, तो यहाँ पे लगा देते। अच्छा, फिर रह गया एक इसका आ गया, दूसरा इसका आ गया, तीसरा इसका आ गया, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठा इसका आ गया, एंड नहीं लगाया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको रन किया प्रोग्राम को, तो ये देखें पहला आंसर ए लिया गलत हो गया, दूसरा सी लिया, तीसरा सी लिया, तो कह रहा है करेक्ट टू रॉन्ग वन। हमारा प्रोग्राम हमें बता भी रहा है कि आपके आंसर करेक्ट कितने और रॉन्ग कितने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक छोटा सा MCQs का ऐप एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ वही आपने कॉपी पेस्ट करना है, क्वेश्चन बनाना, डालना और आखिर में अपना रिजल्ट बना के दे देना है।